निर्मल सिंह की टेस्टिमनी है। निर्मल सिंह आंसर दे रहा पर्सन किसके नाम निर्मल सिंह। और पर्सन ये कहते हैं कि 27 मार्च 2022 को कहते हैं ये सुबह जॉब पर जब जा रहे थे, काम पर जा रहे थे और घर वापस जब शाम को लौटे। और कहते कि अचानक इनके चेस्ट में कहते बहुत भयानक पेन शुरू हो गई। और कहते एकदम से घबराहट होने लगी। और कहते दम घुटने लगा। और कहते सांस भी रुक रुक कर आने लगी। और उसी वक्त अनकॉन्शियस हो गए और पूरी तरह से बेहोश हो गए। और इनकी ऐसी हालत को देखकर इन्हें इनके परिवार वाले जल्दी से लेकर डॉक्टर के पास ले गए। इटली में ही एबोली मारिया एसएस एडलोरोटा नामक हॉस्पिटल में फटाफट एम्बुलेंस किए और वहां पर लेकर गए। कहते हैं इनकी इतनी गंभीर हालत को देखकर इन्हें आईसीयू वेंटिलेटर पर रख दिया गया। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी गई, यूरिन पाइप लगा दिए गए। और हम देख भी सकते हैं और वो हॉस्पिटल की इतनी क्रिटिकल कंडीशंस को हम देख भी सकते हैं। और जब डॉक्टर्स ने कहते चेक किया तो उन्होंने बताया कि हार्ट की जो नर्व्स हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं। और किडनीज और लंग्स भी पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे और काम करना बंद कर दिया था। और डॉक्टर्स ने कहा कि हार्ट का ऑपरेशन करके स्टंट डालना पड़ेगा। और फिर इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और कहते 8 दिन पूरी तरह से वेंटिलेटर पर थे। और कहते कोई भी सुध-बुध नहीं थी। और कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। अब किसकी गवाही, आपकी गवाही दे रहे हैं और ये पूरी फैमिली साथ में है। क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ गिरे थे आप? पापा जी मैं कम तो उंडिया ही ते कम तो जिवले मैं घर आया ते मेरे एकदम इथे दर्द होंडा भी ते मेरा साह बिल्कुल कुटिया गया ਤੇ ਜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਡੇ ਪਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਤ ਆਪਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਬੋਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬੋਲਾ ਆਪਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਕੋ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਰਦਰ ਦਵਾਏ ਥੇ, ਤਿੰਨੇ ਦੋ ਬਰਦਰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੂਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਦੱਸਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 3ਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਸੀ ਔਰ ਅਪੋਸਲ ਜੀ इनका इनके टेस्टिमनी सुनने वाली है, सुनो। तीजे दिन 200 बीपी रात कीता प्रभु ने, तीजे दिन 200 बीपी रात करके प्रभु ने जिंदा कीता। सुनो क्या हुआ, सुनो हुआ क्या, वो बताना क्या हुआ जरा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं रास्ते में सुन रहा था इनकी स्टोरी को। अपोसी जब कहते कि इटली के डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर जब कहते चीर फाड़ की इनके हार्ट में स्टंट डाला, सारा कुछ करके देख लिया और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा के। ये तब की बात है जब, सुनो ये कोई किसी ऐसे वैसे देश की बात नहीं, आप ही के देश की मैं बात कर रहा हूँ। इसी देश का ये भाई है, कोई पर्सन अभी इटालिया, इसी देश के डॉक्टर हैं। ये मेरी जी सोने दल इटालिया। जब बेहोश बेहोश मतलब उसको हार्ट अटैक जब हुआ तो लेके गए। कोंदे मेरा पैसा इसे इसे साथ पड़ता तो मेरी तमी चल उस पे डाले पर कभी बाबू तो नहीं पार। तो चेक किया, वेंटिलेटर पे लगा दिया, जवाब दे दिया कि कुछ नहीं है। और मैं सब इतना तोरे अनुपात ले दिया नोजी, स्टंट भी डाल दिया। ऐसा तो ऑपरा तो, लेकिन एक खास चीज हुई, वो क्या थी बताओ। मैं सोचा सुना कोसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोसा एरा पापा जी नर्स एक वाघ भी सी। अपोसल जब इनका ऑपरेशन हुआ और जब फिर भी सांस नहीं आई वापस, तो फिर डॉक्टर्स ने देखा कि बंदा डेड हो चुका है। और टोटली मुर्दा था ये भाई। तो उन्होंने बाहर आकर फैमिली को बताया कि आपका जो रिलेटिव है वो मर चुका है। और उसे पूरे कपड़े में कहते लपेट दिया।
Praticamente stavano preparando per और इन्होंने अपने इनके रिश्तेदार आने लगे और मिलने लगे और सारे रोने पीटने लगे Praticamente non respirando più questa persona loro hanno comunicato ai familiari Jaldi se very good aur lekin khas baat ye hai ki jab ye bhai ko jo bhi daura pada tha tab inki beti ne church ke NM Zoom Lehen prayer usse time registration book kar di thi Lehen ke liye aur upasthit shanivar ko is bhai ko dead declare kar diya gaya sabato ke sab persona sata dikha raha tha morta aur next day hi sunday ko inki bari thi turn thi church mein aapke dwara Zoom Lehen ki suno suno aap do mein ka tumhe bhai sare pregato da ye badi interesting cheez hai aapne ek testimony dekhi ho kal yahan meeting mein aaye the jab main ek lady par lay hand kar raha hu jo puri tarah se gal chuki thi body mein देखी टेस्टमनी आपने हाँ मैं आपको उसका किस्सा बताता हूं जब मैं ले हैंड करने के लिए जा रहा था तो मोस्टली जो डेड ज्यादा पेशेंट खराब होते हैं ज्यादा गले हुए होते हैं ज्यादा क्रिपल्स होते हैं तो हम उनको पीछे बिठाते हैं हमेशा रीजन ये है कि उनकी बॉडी से स्मेल आती है बहुत अगर पूरी बॉडी कैंसर है पूरी बॉडी गली हुई है सोराइसिस है तो बॉडी स्मेल छोड़ती तो जो आम बिलीवर्स हैं उनका बैठना सरमन सुनना मुश्किल होता है तो हमने उनके लिए एक ऐसा स्थान बनाया हुआ जहां डॉक्टर्स नर्सेस सब पीछे रहते पानी पीना है वॉशरूम जाना है तो उनके लिए आसान रहता है तो जब मैं ले हैंड कर रहा हूं तो एक बड़ी गली हुई औरत मेरे सामने आती है और मैं टीम पर गुस्सा करने लगता हूं मैंने कहा किसने इसको यहां बैठाया है तुम्हें मालूम नहीं ये इमरजेंसी का केस है लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि गुस्सा मत कर इसे मैंने यहां बिठाया और सुना ये बातें मेरे अंदर चल रही है मेरे अंदर ही गुस्सा चल रहा है मैंने रिएक्ट नहीं किया मैंने किसी वॉलंटियर को बोला नहीं किसी टीम मेंबर को नहीं बोला ऐसे इसको इस सीरियस पेशेंट को यहाँ क्यों रखा है तो जैसे ही मैं गुस्सा करने लगा और तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि नहीं इसे मैंने यहाँ रखा है तो आपने देखा होगा मैंने उसे स्पेशल टाइम दिया और मैं रुका मैं 10 मिनट रुका उसके पास और उस पर मैंने प्रेयर की आपने देखा उसके साथ क्या हुआ और ये टेस्टिमनी जब मैं सुन रहा था मेरे को सेम वही केस याद आ रहा था इमेजिन करो जब अटैक हुआ तो इनकी बेटी ने विजडम यूज की और जूम ले हैंड प्रेयर की रजिस्ट्रेशन करवा दी और जब डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया इन्होंने बताया कि इवन देन की डेड डिक्लेयर कर दिया हमने अपना फेथ नहीं छोड़ा और संडे वाले दिन डेड व्यक्ति के ऊपर इन्होंने प्रेयर करवाई थी वो प्रेयर चल रही थी दिखाना जरा सारे रोग आपकी बॉडी को छोड़े और जाए हील हो यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ अभी आप ब्लड कैंसर जाए ब्रीदिंग प्रॉब्लम जाए इन जीसस नेम आमीन ऊंचा ये सुनो मेरी बात वो सेम कोई आपको हील नहीं कर सकता कोई इंसान मैं आप कोई भी जना लेकिन जब जीसस क्राइस्ट सीन में इन्वॉल्व होते हैं आपका फेथ परमेश्वर पे होता है आपको जस्ट एक टच चाहिए लाइफ चेंज करने के लिए और फेथ देखो विश्वास देखो कि इवन देन डॉक्टर हार चुके हैं सन डल चुका है डेड डिक्लेयर हो चुका है बोल रहे ले जाओ लेकिन डियर रजिस्ट्रेशन करवाई है वो संडे प्रेयर नहीं हम ऐसे अपने पेशेंट के ऊपर प्रेयर करवाएंगे guarito per mezzo della fede nonostante la persona è morta hanno fatto la registrazione per la preghiera dopo che la persona è stata pregata ed è stato pregata क्या हुआ प्रेयर के बाद प्रेयर के बाद पापा जी डॉक्टर जेरे हैरान रह गए के केड़े प्रभु हैरान रह गए हां जी केड़े प्रभु नु मानते ने और अपने यीशु मसीह नु मानते ने हैं कि सो कोई अभी प्रेगाते हालेलुया 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 आप इमेजिन करो कि फेथ एक होता है कि एक बात को सुनना एक होता है कि एक्सपीरियंस करना अपनी फैमिली मेंबर पर उनको तो ascoltare un conto e passare l'esperienza per una cosa che succede nella famiglia जितनी ताकत है हाथों में तारीफ करो खुदावर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पर